अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फूल जो आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, मतलब उनका साइज छोटा हो रहा है या आधे अधूरे खिल के वो मुरझा जा रहे हैं, ये केवल एक चम्मच इस चीज का प्रयोग अगर आप अपने पौधे में कर लेंगे तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ भी होगी और पौधे की जो कलियां जो बनती हैं गुलाब के पौधे में वो सब अच्छी से खिलेंगी और उसमें बड़े साइज के फूल भी आएंगे। ये चीज क्या है और इसका प्रयोग कैसे करना है पौधों में, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। गुलाब एक ऐसा पौधा है जो हर कोई गार्डनर अपने गार्डन में जरूर लगाता है। गुलाब के जो पौधा होता है इसके कई कलर आते हैं, इसमें कई वैरायटी के फूल आते हैं। जैसे देखिए मेरा ये हाइब्रिड वैरायटी का फूल है, देखिए इसमें कितना साइज कितना बड़ा आ रहा है इसमें, ये और लगा है छोटे से गमले में, 10 इंच का गमला है इसमें लगा है और इसमें फूल इतने बढ़िया आ रहे हैं। और ये मेरे देसी गुलाब का पौधा है, देखिए इसमें कलियां कितनी सारी आ रही हैं। ये जो मैं प्रयोग करता हूँ इसमें उसी वजह से इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें कलियां भी ढेर सारी बन रही हैं। सबसे पहले आप गुलाब का पौधा अगर गमले में लगाते हैं नर्सरी से लाकर, इस समय जो है गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। ये सर्दियों का समय गुलाब के पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो उसको ऐसी मिट्टी में लगाइए जिसमें पानी रुके ना, अगर मिट्टी में पानी रुकेगा तो आपके पौधे की जो ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और उसमें फंगस आ जाएगा और पौधा कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। तो आप मिट्टी अच्छी रखिए पौधे की। और अगर आपके पास गुलाब का पौधा पहले से ही है, जैसे देखिए ये पौधा आपका जैसे मान लिया लगा हुआ है, ये पौधा पहले से ही है, सबसे पहले आप उसकी इस समय जो मौसम है इस समय आप उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं, मतलब कि उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। क्योंकि गुलाब का पौधे में एक खासियत ये रहती है, ये कई लोगों को पता नहीं होगी कि गुलाब के पौधे में जब ये नए ब्रांच है, देखिए इस ब्रांच में फूल खिल गए हैं तो अब इसमें दोबारा इसमें फूल नहीं आएंगे, तो इसके लिए आपको इसको कट करना पड़ेगा। और कट कहाँ से करना होता है, जैसे फूल खिल गया है उसके बाद इसको यहाँ से कट कर दीजिए, ये जो फूल खिल गया है इसको यहाँ से कट कर देंगे तो उसमें नई ब्रांच आएगी और उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो इस समय आप गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग जरूर कर लें। अगर आपका पुराना गुलाब का पौधा है तो उसमें हार्ड प्रूनिंग जरूर करें। जब आप उसकी प्रूनिंग कर लेते हैं तो उसमें खाद देने की जरूरत पड़ती है, तो आप जब भी पौधे की जब गुड़ाई करते हैं हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए इस प्रकार से, उसमें गोबर की खाद जरूर दीजिए। ये देखिए मैंने गोबर की खाद कुछ दिनों पहले ही दी थी गुड़ाई करके, और इसकी मिट्टी भी देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। इस प्रकार से आप गोबर की खाद जरूर डालिए उसमें। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या आप मार्केट से लाकर भी कोई खाद इसमें जरूर दीजिए जो कि ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक खाद देंगे तभी इसमें थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसमें खरपतवार लगी रहती है पौधे की जो मिट्टी है उन सभी को निकाल लेना है। और इसमें आप देखेंगे गुलाब का पौधा जो होता है इसमें जो बीमारी होती है बहुत जल्दी पकड़ती है, इसकी जो पत्तियां हैं मुड़ने लगती हैं। इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए पौधे में जो पत्तियां मुड़ती हैं, ये देखिए ये एक मेरा एक पौधा ही है, ये देखिए इस प्रकार से पत्तियां इसमें खराब होने लगती हैं। ये मेन कारण जो रहता है ये धूप में ना रहना। अगर आपको पौधा धूप में नहीं है और छाया में है पूरे दिन की या एक आध घंटे की धूप मिली है तब भी एक जो उसकी पत्तियां हैं वो मुड़ने लग जाती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं बन पाता है। पौधे को अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो इसमें जो पत्तियां हैं वो खराब होने लगेंगी। ये पौधा मेरा धूप में नहीं था तो इसकी मैं देख नहीं पाया कहाँ पर को रखा है करके। उसके बाद इसमें देखिए पत्तियां जो है मुड़ने लग गई हैं। अब मैंने इसको पूरे दिन की धूप में रख दिया है। और इसमें आपने क्या करना है, अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली इस प्रकार से पड़ रही है और पत्तियां मुड़ के खराब हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सी दवा का छिड़काव करना है जिससे कि इसकी पत्तियां मुड़ना बंद हो जाए और पौधा अच्छी ग्रोथ कर ले। उससे पहले आप पौधे को पूरे दिन की धूप में रखिए और इसमें पानी की मात्रा बहुत कम करिए। पानी तभी दीजिए जब 1-2 इंच की मिट्टी आपकी सूखी हो जाए। ये देखिए मेरे पौधे में पानी की मात्रा भी ज्यादा है क्योंकि धूप में नहीं था तो ये पानी इसका सूखा नहीं है, तो आप पानी की मात्रा भी कम करिए इसमें। इसमें जो पत्तियां जैसे मुड़ जाती हैं आपके पौधे की या खराब हो जाती हैं उसका एक कारण और रहता है, इसमें आपके जो खाद की मात्रा है वो कम है। अगर आप पौधे में खाद की मात्रा कम होगी उसको पोषण नहीं मिलेगा तो उसकी विकास कैसे होगा, तो इसलिए उसकी पत्तियां जो है मुड़ने लग जाती हैं। तो आप जैसे मेरा ये पौधा है देखिए इसका जो फूल ये मुरझा गया है, आप जब इसको कट करते हैं तो ये मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ हार्ड प्रूनिंग कैसे करनी है। ये जैसे मैं कट कर रहा हूँ तो आप इसको इस प्रकार से कट कर दीजिए।
और इसी प्रकार से देखिए ये दूसरी ब्रांच है, इसको भी कट कर दीजिए। और ये कुछ नई ब्रांच आई है, देखिए मैंने कुछ कट करी थी यहाँ से, तो इसमें नई ब्रांच आई है, तो इसमें फूल जरूर खिलेंगे अब नई ब्रांच में, तो इसको रहने देंगे। अगर आपके पुरानी ब्रांच है तो उनको कट करते रहिए इस प्रकार से। ये देखिए जैसे मेरी ये पुरानी ब्रांच है, इसको कट कर दिया। ये देखिए जैसे मेरी कली जो ये गुलाब के फूल की है, ये खराब हो गई थी देखिए, तो आप ये जो खराब कलियां हैं या वो हैं उनको भी, ये फूल हैं उनको भी कट कर दीजिए इस प्रकार से। और जितनी भी सूखी ब्रांचेज हैं उनको कट कर दीजिए। गुलाब के पौधे में एक दिक्कत और आती है, आप अगर देखेंगे इसकी कोई ब्रांच जो है डाईबैग होने लग जाती है। डाईबैग मतलब थोड़ा पीली पड़ेगी ब्रांच, उसके बाद हल्की हल्के करके वो खराब हो जाएगी। तो आप जो डाईबैग की समस्या आती है पौधे में, वो इसी कारण से आती है कि उसमें फंगस लग जाता है पौधे की जड़ों में। जड़ों में अगर फंगस लग गया तो पौधा जो है ऊपर से भी डाईबैग होने लग जाएगा और धीरे धीरे आपका पौधा पूरा खराब हो जाएगा। तो आप पौधे की जब भी प्रूनिंग करते हैं उसके बाद उसमें आप हल्दी का पेस्ट जरूर लगाएं। जो ये कटिंग होती है यहाँ पर अगर हल्दी का पेस्ट लगा देंगे तो उससे क्या होता है, इसमें फंगस नहीं लगता है। और थोड़ा थोड़ा हल्दी जो पाउडर होता है उसको भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर अगर एक पौधे में डाल देंगे मिट्टी में, तो आपके पौधे में जो है कीड़े और फंगस वगैरह लगने की समस्या कम हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, जो वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था मैं आपको, वो खाद क्या है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये देखिए ये है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मार्केट में आपको बीज की दुकान में ये मिल जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, ये एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधे की जो गुलाब का पौधा है उसमें अगर इसका यूज करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे में जितने प्रकार की बीमारियां लगती हैं वो नहीं लगेंगी, और पौधा थोड़ा ग्रोथ एकदम फास्ट होगी इसकी। क्योंकि ये इप्सम सॉल्ट में जो क्या होता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है पौधे में, जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी जो है अच्छी होगी और पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी सही रहेंगी, हरी भरी रहेंगी, तो उससे पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। ये इप्सम सॉल्ट को आपने क्या करना है, जैसे एक चम्मच मैंने ये लिया है इप्सम सॉल्ट, इसको आपने इस स्प्रेयर बोतल में डालना है। इप्सम सॉल्ट को आपने एक लीटर जो पानी की बोतल है उसमें एक चम्मच करीब डाल देना है, और ये घुलनशील होता है, ये घुल जाएगा आसानी से। उसके बाद आपने इसको अच्छे से घोल लेना है इस तरीके से, और अपने पौधे में इस प्रकार से स्प्रे कर देना है। ये शुरुआत में जब आप जब प्रूनिंग वगैरह कर देते हैं इस समय पौधे में, तो इस समय आप इसको इस तरीके से स्प्रे कर देंगे। हर 10 दिन में अगर इसका स्प्रे करेंगे, और पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं इसको। इससे क्या होता है, पौधे का विकास अच्छा होता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि आपके पौधे की पत्तियां भी अच्छी होंगी। पत्तियां अच्छी होंगी क्योंकि पत्तियों से ही खाना बनता है, तो आप पत्तियां अच्छी होंगी तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे का विकास भी अच्छा होगा। इससे आपके गुलाब के पौधे में ढेर सारे फूल और कलियां बनेंगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।